हाय, वीडियो के अंदर थोड़ी सी गालियाँ तो बड़े ना देखें, क्योंकि बच्चों को तो आजकल सारी गालियाँ आती हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा जो है ना वो बताना था कि एक होती है इंसानी जहालत और एक होती है हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी जहालत। अब होता क्या है कि इंडियन जो पाकिस्तानी फैंस ये करते हैं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान कोई मैच हार जाए ना, तो वो उसके अंदर ऐसा करते हैं कि जो प्लेयर्स हैं ना उनको गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, ठीक है। क्रिटिसिज्म नहीं करते, क्रिटिसिज्म बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि यार तूने बुरा शॉट खेला है, तो अच्छा शॉट ये होता है कि यार तुम ना ऐसे कट नहीं मारते, स्ट्रेट बैट से खेल लेते एक्स वाई जेड। या आप उसको बोल दें कि यार तुमने किस तरह की शॉट बॉल कराई, इसके ऊपर तुम्हें छक्का पड़ गया, तुम अच्छी लेंथ के ऊपर बॉल क्यों नहीं करा सकते, अच्छी लाइन में बॉल क्यों नहीं करा सकते, ये होती है। लेकिन पाकिस्तानी और इंडियंस, मैं पाकिस्तानी की एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, कोई इंडियन बुरा ना मान जाए, लेकिन आप इसे सीख सकते हैं, आप इस तरह की हरकतें करते हैं, ठीक है। आप भी इस तरह की हरकतें करते हैं। तो होता क्या है कि जी सरफराज ने बुरा शॉट खेला ना, सरफराज को क्रिटिसाइज़ क्या किया, सरफराज कंजर, वाह क्या क्रिटिसिज्म है। या वो शुएब मलिक ने जो है ना वो कोई अच्छा नहीं खेला, क्योंकि बहुत बुरा खेला, ये मैं मानता हूँ, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, पाकिस्तान ने बहुत बुरा खेला है, हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, लेकिन हम गेम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हम सिलेक्शन कमेटी को क्रिटिसाइज़ करें, जो भी करें लेकिन क्रिटिसाइज़ करें, उसमें कुछ पता तो लगे। वो जी शुएब मलिक ने बुरा खेला, तो जी ये किसी काम का नहीं है और पता नहीं क्या फजूल पथेटिक प्लेयर है, जबकि वो इतने साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, अच्छा भी खेल रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तक वो हमारा मिडिल ऑर्डर के अंदर हमारी बैकबोन रहा है टीम की, उसने नहीं खेला अच्छा, तो आप बोले तूने अभी अच्छा नहीं खेला, अभी टीम में नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसकी सिलेक्शन जायज़ हुई उसके बाद उसने अच्छा नहीं खेला। आप उसको क्या कह रहे हैं यार, क्या थर्ड क्लास किस्म का बैट्समैन है, जिसको खेलना नहीं आता, चूतिया, जाके सानिया पे चढ़ जाता है। ये मैंने देखी है ये क्रिटिसिज्म, तो वो सानिया पे ही चढ़ेगा, आप पे तो नहीं चढ़ेगा, ऐसा ही है ना। तो एक तो बी सेंसेबल, आपका जो क्रिटिसिज्म है उससे कोई रिजल्ट तो निकले, पता तो लगे, मेरे तक खबर पहुंचे, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ कि यार मैंने बहुत घटिया शॉट खेला था, मैं आउट हो गया, मुझे कोई बताया यार तुम्हें पुल नहीं करना चाहिए क्योंकि शॉर्ट बॉल पे तुम आउट हो जाते हो, जो कि शायद अफरीदी को उसकी सारी ज़िंदगी समझ नहीं आई, तो मुझे समझ में आने के कोई इम्कान आते हैं। लेकिन अगर मैं अपना क्रिटिसिज्म पढ़ूँ, यार आज बड़ा बुरा मैच हुआ, खोल के देखते हैं फैंस क्या कह रहे हैं, ओ वलीद कंजर, तो मुझे तो अपने पेशे पे शक हो जाएगा, मुझे इस पे तो नहीं शक होगा कि मैंने अच्छा खेला है मैंने बुरा खेला है। तो वो जी हसन अली ने शॉर्ट बॉल कराई, तो हसन अली जो है ना उसको मेरा ख्याल है हमारे जनरेटर चलाने में ना थोड़ा सा इशू होता है कि यार कौन जाके उसकी वायर खींचेगा, तो हसन अली आई थिंक आई हैव अ गुड जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर यू, यू प्लेड एक्सेलेंट इन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन उसके बाद से आपने जाके इधर उधर जाके जनरेटर चला के भरा मारे, उससे बेहतर था आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस कर रहे थे। खैर, हसन अली ने बुरी बॉलिंग कराई, हसन अली चूती। बस आप सिर्फ इतना इमेजिन करें, आप अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर थे, आपने एग्जाम दिया, एग्जाम के अंदर आपसे बुरा परफॉर्म हुआ, आपके टीचर ने पेपर चेक किया और पेपर चेक करके नीचे लिख दिया जीरो कंजर, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी अच्छी तरीके से कि आपने क्या गलती की थी, जबकि आपको पता है कि ऐसा नहीं होता, आप बोलते हैं टीचर से जाके मैंने क्या सही किया क्या गलत किया, इसलिए मुझे 15 में से 10 मार्क्स मिले, 8 मार्क्स मिले, 9 मार्क्स मिले, क्योंकि ये ठीक किया ये गलत किया और इसको ऐसे ठीक करना है, ये होता है फीडबैक। फॉर एग्जाम्पल आप जॉब के ऊपर है और आपने कोई असाइनमेंट ठीक से सबमिट नहीं किया और आपका बॉस आपको ऑफिस में बुला के बोल रहा है ये तुमने क्या किया क्योंकि, तो आप बोलेंगे मुझे बताओ तो मैंने गलत क्या किया, डू यू गेट इट। तो आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ इट वर्क्स, और इसीलिए बेहतर यह है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप क्रिटिसाइज़ करें तो थोड़ा सा अपनी हदूद के अंदर रहें, और अगर आप अपनी हदूद के अंदर नहीं रह सकते तो आप क्रिटिसाइज़ नहीं करें, और अगर आपको स्पेसिफिकली क्रिकेट की समझ ही नहीं है तो आप प्लीज़ आके आइंस्टाइन मत बना करें। खैर, क्रिकेट का आइंस्टाइन से बिल्कुल उतना ही ताल्लुक है जितना आपके क्रिटिसिज्म का क्रिकेटर से ताल्लुक है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आई होप कि आप क्रिटिसाइज़ करते हुए एहतियात करेंगे, अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो आई रियली डू होप कि नेक्स्ट टाइम जब आपसे कोई गलती हो तो आपको कोई समझाए नहीं, बस प्यार से बोल दे विकंजर।